नीतीश कुमार जी अब पूरी तरह खिलाड़ी बन गए, एकदम खिलाड़ियों के खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी। तो फिर अक्षय कुमार का क्या होगा शेखर? अक्षय कुमार का क्या होगा? दैट इंडीड इज अ वेरी पर्टिनेंट, वेरी इंटेलिजेंट एंड अ वेरी गुड क्वेश्चन बंदरू। माना कि अब तक अक्षय कुमार को ही खिलाड़ी कुमार की उपाधि मिली हुई थी, लेकिन जो मैंने पता किया है उसके मुताबिक और सूत्रों के अनुसार, अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज फिल्म रिलीज होने के बाद अब खुद को चौहान कुमार कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए नीतीश बाबू अब अपने को खिलाड़ी कुमार कहलवा सकते हैं। वो यानी नीतीश जी इतने बड़े बड़े खेल कर रहे हैं कि बहुतों की खोपड़ी खोपड़िया चक्कर खा गई है। एक्टिव है ही लोग सक्रिय है। जैसा कि मैंने कहा, नीतीश बाबू इन दिनों ऐसे ऐसे खेल कर रहे हैं कि अच्छे अच्छों की खोपड़ी खोपड़ा बन गई। उनके करीबी लोग भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश बाबू चाल क्या चल रहे हैं। जैसे कि आरसीपी सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह जी के साथ नीतीश बाबू ने वो पैंतरा खेला कि बेचारे आरसीपी जी तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। वो क्या कहते हैं, उनके हाथों से वो उड़ गए, वो मतलब वो सीबीआई को क्या कहते हैं, तोता। हाँ, तोता तोते उड़ गए, आरसीपी के तोते उड़ गए। बेचारे केंद्र में मंत्री बन गए थे। कहा जाता था कि वो नीतीश बाबू के सबसे करीबी हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव करीब आया तो नीतीश बाबू ने खेला कर दिया और आरसीपी का टिकट काट दिया। ज्यादा चांस ये है कि आरसीपी जी अब मंत्री भी नहीं रहेंगे। अब आप पूछेंगे कि नीतीश बाबू ने अपने सबसे करीबी कहे जाने वाले शख्स के साथ ये क्या किया और क्यों किया, तो आपको बता दें कि चर्चा ये है कि आरसीपी जी नीतीश बाबू के पहलू से सरककर बीजेपी के पहलू में जाने लगे थे। बस नीतीश बाबू को यह बात खटक गई और उनका पत्ता काट दिया, मतलब टिकटें काट दिया। ये तो हुआ पहला खेल। दूसरा खेल क्या है बंदरू? दूसरा खेला ये है बंदरू कि नीतीश बाबू ने बिहार में जातीय जनगणना कराने की घोषणा कर दी है और कह दिया है कि बिहार सरकार पूरे जोर शोर से ये काम करेगी। बिहार में जाति आधारित गणना की जाएगी, हर लोगों के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी और इसके लिए बड़े पैमाने पर और तेजी से काम किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि ये जो जातीय जनगणना का मुद्दा है उस पर नीतीश जी का अकेले का कॉपीराइट नहीं है, यानी ये ना तो उनकी पार्टी के नीतियों में था और ना ही शायद उनके दिमाग में। जातीय जनगणना पर कॉपीराइट है आरजेडी का, यानी लालू यादव जी का। इसीलिए आरजेडी की तरफ से नीतीश बाबू की घोषणा के बाद इस फैसले का उनको श्रेय नहीं दिया जा रहा है, श्रेय दिया जा रहा है लालू यादव को। लगातार शुरू से ही इसकी लड़ाई जो है आदरणीय लालू जी ने लड़ी, पार्लियामेंट में भी सवाल उठाए। ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की सभी लोगों की जीत है। पृष्ठभूमि में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का तेवर और उनकी लगातार की लड़ाई, उसकी परिणति आज हुई। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातें रखी और मुझे खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अक्षरशः पॉइंट बाय पॉइंट उन चीजों को अडॉप्ट किया और कहा
कि इस पर कार्यवाही कल से ही शुरू होगी। अब जाहिर है ये सब सुनकर स्वाभाविक तौर पे, यानी इट फॉलोज एज अ नेचुरल कोरोलरी, आपके मन में ये सवाल कुलबला रहा होगा कि आखिर नीतीश बाबू ने ये जानते हुए भी कि लालू यादव की पार्टी इस सिलसिले में अपनी पीठ ठोकने से बाज नहीं आएगी, ये ऐलान क्यों किया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी? आखिर क्यों तेजस्वी यादव उनके करीब होने लगे? आखिर क्यों? दोस्तों, इसी सवाल में मौजूद है नीतीश जी के खेला का राज। बिहार में पिछले दिनों नीतीश जी की दूरी बीजेपी से बढ़ने लगी है। वैसे जातीय जनगणना के मसले पर बीजेपी औपचारिक तौर पर नीतीश बाबू के साथ है, लेकिन अपरोक्ष रूप से नीतीश जी की घोषणा पर कई तरह के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, कई अगर मगर किंतु परंतु लगाए जा रहे हैं। जनगणना, जातीय जनगणना की बात, तो जातीय जनगणना से मुझे कोई, मैं उस जातीय जनगणना के साथ खड़ा हूं, लेकिन जातीय जनगणना में ये भी होना चाहिए मुसलमानों को भी जात के श्रेणी में लानी चाहिए। साफ है कि बीजेपी की तरफ से प्रस्तावित जाति गणना में अल्पसंख्यकों के होने या ना होने को लेकर पेंच पैदा किए जा रहे हैं। बीजेपी विरोध नहीं कर रही है, लेकिन दिल से समर्थन भी नहीं कर रही है। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है बिहार में, वहां नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं। हो सकता है कि एक डेढ़ दो महीने का वक्त लगे, लेकिन मार्क माई वर्ड्स, खेला होगा जरूर, ऐसा लगता है। और दूसरे विरोधी दल वो क्या बोल रहे हैं? वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अपने जो दूसरे यादव महाबली है ना, पप्पू यादव जी, वो जाति जनगणना को लेकर बिना नाम लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव को ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। गणना की बात कर रहा है, भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी की तो बात तो कर दीजिए ना। हिंदुस्तान में 28 से 29, 30, अब तो 32% दलित होंगे, तो घोषणा कर दीजिए हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर वही होगा। तो भाइयों बहनों, बिहार का खेला बेहद रोमांचक होता जा रहा है। नतीजा जो भी हो, नीतीश बाबू ने बिहार की राजनीति में एक गुगली तो फेंक दी है। इस गुगली पर कौन आउट होता है ये तो कुछ दिनों में पता चल जाएगा। फिलहाल तो नीतीश बाबू अपना खेल खेल रहे हैं और जम के खेल रहे हैं, एकदम खिलाड़ी कुमार की तरह। सिटी जानी ना, कोरिया सिटी। हाँ, शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी, वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है
और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।